हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्रेस फॉर जॉब्स। रेलवे जॉब भर्ती में जो है सीबीटी 2 रिजल्ट क्लियर हो चुका है, भुवनेश्वर जोन का रिजल्ट भी आ चुका है, डीवी लिस्ट भी आ चुकी है और डीवी का शेड्यूल भी आ गया। इस जोन में तो डीवी का शेड्यूल भी बता दिया गया, डीवी स्टार्ट कब से हो रहा है, डीवी खत्म कब तक हो रहा है। तो दोस्तों आइए देखते हैं, पूरा रिजल्ट भी देखते हैं, कट ऑफ भी देखते हैं और डीवी भी देखते हैं। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों देखिए, ये है आरआरबी भुवनेश्वर का जो शेड्यूल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 18/11 से लेकर 28/11। देखिए 10 दिन का जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट भी दे दिया कि 18/11 से लेके और 28/11 के बीच में होना है। और इसका कंबाइन लिस्ट भी आ चुका है और इसका जो रोल नंबर है वो अरेंज इन द असेंडिंग नंबर ऑर्डर एंड नॉट इन मेरिट, मेरिट के हिसाब से नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से है। तो आइए आप देखते हैं, इसका लिस्ट देख लेते हैं। अब देखिए इसमें जो है आपका, आप अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं डायरेक्ट। और इसका देखिए आपका डेट डीबी है आपका 18/11/2019 को। देखिए इसमें कितने लोगों को बुलाया जा रहा है, 5 और इधर से आ गया आपका 25 लोगों को जो है फर्स्ट डे बुलाया जा रहा है, जिसकी रिपोर्टिंग टाइम 8:30 बजे है। उसके बाद से देखिए फिर 18/11 में शाम में बुलाया जा रहा है, जिसकी टाइमिंग है 2 बजे, उसमें भी 25 लोगों को बुलाया जा रहा है। फिर उसी तरह 19/11 है आपको, फिर उसी तरह जो है आपका 19/11 में 25 और फिर दोपहर में 25, यानी टोटल 50 लोगों को रोज़ बुलाया जाएगा। फिर देखिए आपका 20 तारीख में मिला हुआ है, फिर 21 तारीख है, फिर 21 के बाद आपका डायरेक्ट 25 तारीख को है, फिर 26, फिर 27 और फिर 28। दोस्तों ये देखिए आपका टोटल जो है डीवी के लिए कितने लोगों को बुलाया गया है, तो 385 लोगों को बुलाया गया है। ये भुवनेश्वर का है आपका आरआरबी भुवनेश्वर। इसमें जो कि आप कैंडिडेट के लिए अब इसमें पूरा डिटेल्स पता चल जाएगा। अब देखिए जब आपको जाना है वहाँ डॉक्यूमेंट्स के लिए, वाइल कमिंग टू द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यू मस्ट ब्रिंग द फ्लाइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल। देखिए इसमें जो है आपको मैट्रिक्स का ले जाना पड़ेगा सर्टिफिकेट, और उसका जो अगर डिग्री हो तो डिग्री भी ले जाना है, और 10+2 का ले जाना है। आपके पास डिप्लोमा है तो डिप्लोमा ले जाना है, अगर डिग्री है तो डिग्री भी ले जाना है। आपके पास SC ST अगर है तो SC ST सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा, अगर आप OBC हैं तो OBC का ले जाना पड़ेगा, अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं OBC में तो उसका ले जाना पड़ेगा, अगर आपके पास जो है अगर आप इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप EWS वाले हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा, अगर आप माइनॉरिटी में आते हैं तो आपके लिए नॉन जुडिशियल स्टैम्प्स का जो आता है सर्टिफिकेट वो ले जाना पड़ेगा, अगर आप जो है एक सर्विसमैन है तो ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा, फोटोकॉपी या बोथ साइड ऑफ आधार कार्ड का ले जाना है, मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर पेंशन एंड बेच बार PWD के लिए ले जाना है मेडिकल सर्टिफिकेट, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, NOC ले जाना है जो एम्प्लॉई होंगे, सेल्फ डिक्लेरेशन ले जाना है जो एक सर्विस मैन के लिए है, उसके बाद से गैजेटेड ऑफिसर जो लीगल डॉक्यूमेंट्स केस इनफॉर्मल चेंज नेम वगैरह अगर चेंज कराने तो उसके लिए गैजेटेड से बनवा के ले जाना होगा, अगर आप जम्मू कश्मीर डोमिसाइल के हैं तो वहाँ का सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पर 4.0 एंड नेशनलिटी एंड कैंडिडेट फॉर अदर सिटीजन ऑफ इंडिया, तो वो सब आपको सर्टिफिकेट जो है बनवाना होगा। अगर आपके पास डाइवोर्स हुआ है या कुछ ऐसा कुछ है, सेपरेशन हुआ है, तो आपको उसकी सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा, अगर आप मैरिड हैं और आपका डिवोर्स हुआ है, अगर कोई डेथ अगर वगैरह हो गया है जैसे आपकी वाइफ का या किसी का, तो उसके लिए आपको डेथ सर्टिफिकेट भी ले जाना पड़ेगा, और आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट में सारा प्रोविजनल रेगुलर डिप्लोमा इंजीनियरिंग साइंस टोटल ले जाना है, आपको जितनी भी डॉक्यूमेंट्स है आप यूनिवर्सिटी में टोटल ले जाइए, एनी अदर रिलेवेंट सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल्स डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल विद द कैंडिडेट, 8 जो है आपका लेटेस्ट फोटोग्राफ चाहिए, द कैंडिडेट शुड आल्सो ब्रिंग 2 सेट ऑफ क्लियर एंड लिजिबल सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ ऑल द ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट्स अबव, तो 2 कॉपी आपको 2 सेट ले जाना है, तो आप 2 सेट या 3 सेट ले जाइए, जैसे जैसा भी जरूरत हो उस तरह इस्तेमाल कीजिए। इफ़ यू फेल टू प्रोड्यूस अबव द मेंशन ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑन द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन योर कैंडिडेट इज लियाबल टू बी रिजेक्टेड एंड नो फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस विल बी इंटरटेन इन दिस मैटर, तो आपको जो है किसी तरह का कोई टाइम एक्स्ट्रा नहीं दिया जाएगा, जो भी है आप पहले से ही अपना डॉक्यूमेंट्स पूरा प्रिपेयर करके ले जाइए। योर कैंडिडेचर फॉर अबव मेंशन इज प्योरली प्रोविजनल एंड सब्जेक्टेड टू योर फुलिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन ऑल रेस्पेक्ट, जितने भी क्राइटेरिया आपको फुलफिल करने हैं आपकी, जो इट में बी नोटेड दैट मेरली कॉलिंग कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन डज नॉट इन एनी वे इंटाइटल हिम टू अपॉइंट इन रेलवे। देखिए ये सब जो है अभी आपको प्रोसेस हो रहा है, जब तक पूरा फाइनल नहीं होगा तब तक आपको कोई भी जॉब नहीं मिलने वाला है, जब फाइनल लिस्ट आ जाएगी, फाइनल लिस्ट आ जाएगी तब आपका ज्वाइनिंग होगा, तब तक आप कोई रेलवे एम्प्लॉय नहीं है, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, मत समझने लगिएगा। SC ST कैंडिडेट के लिए आपको ट्रैवल फ्री ट्रैवल अथॉरिटी मिलेगा, जहाँ पे आपका वेरिफिकेशन होगा उसका पास मिलेगा, आप आराम से जा सकते हैं। 7 नंबर दिया है रिजर्व फिल्वर टू रिपोर्ट द रेगुलर
डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शैल बी सपोर्टेड बाय द डॉक्यूमेंट एविडेंस लाइक सिकनेस और यूनिवर्सिटी। कुछ अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है, बीमार पड़ जाते हैं या कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम हो जाती है, तो आपको उसका रिपोर्ट ले जाना पड़ेगा। ब्लॉक डेट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर एब्सेंटी कैंडिडेट। फॉर द कैंडिडेट हु फेल टू रिपोर्ट द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन द रेगुलर डेट असाइन टू देम, देयर कॉल लेटर अ सेकंड एंड फाइनल चांस टू अटेंड द डॉक्यूमेंट। आपको अगर कोई बाय द वे कोई छूट जाता है तो उसको एक लास्ट चांस दिया जाएगा। और रिक्वेस्टेड टू चेंज अ ब्लॉक डेट असाइन टू द एब्सेंटी कैंडिडेट विल नॉट बी इंटरटेन। उसके बाद जो है कोई भी डेट नहीं मिलेगा कि आपको एक्स्ट्रा कोई मिलेगा। द एब्सेंटी कैंडिडेट हु डू नॉट अटेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन अ ब्लॉक डेट 29/11/2019 विल फॉरफेट देयर कंटेस्ट फॉर एनी पोस्ट। तो आपका ये जो है टोटल इन्फॉर्मेशन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग है मैंने बता दिया है। बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो आप इसमें नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे शेयर कीजिए।